चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स का तीनों मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड टर्म के लिए हम लोगों ने सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए जो अकाउंट्स का तीन सेट आया था, वन सेट, टू सेट और थ्री सेट, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब बारी है कमर्शियल अर्थमेटिक, है ना। कमर्शियल अर्थमेटिक का भी तीन सेट है, सेट वन, सेट टू और सेट थ्री, वो तीनों हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह से कंप्लीट करेंगे, इसका भी एक तरीका होगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जैसे अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। इंस्ट्रक्शन में क्या बोलता है यहाँ पर कि एग्जामिनेशन आंसर विल ओन वर्ड्स में देना है, ठीक है। अच्छा, टोटल 19 क्वेश्चन होंगे, 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क्स के लिए होंगे, क्वेश्चन ईच हैज़ 1 मार्क्स, है ना, सिर्फ 1 मार्क्स होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मार्किंग बदला हुआ है, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। और देर आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर किसी 5 का देना है ना, और 1 मार्क्स हर क्वेश्चन का होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा बात क्या बोला गया यहाँ पर, है ना, कि आपका जो 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चन होगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 5 का किसी का आंसर करना है 50 वर्ड्स में, ठीक है, और 3 मार्क्स का है। मतलब यहाँ पर आपको 5 × 3 = 15 यहाँ से मार्क्स आ जाएगा, सॉरी 5 × 1, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, एक मिनट देखिए, ये जो होगा 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा, करने कितने हैं 5, तो 1 × 5 5 मार्क्स यहाँ से आ गया, ठीक है। अच्छा, 8 से लेके 14 तक जो है ना, जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, आपको कितने करने हैं, आपको करने हैं, आपको इसमें से भी 5, ठीक है, 5 करना है, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ना क्या बोल रहा, फिर 15 से लेके 19 तक जो है आपका कितने क्वेश्चन है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर किसी 3 का करना है, ठीक है। अच्छा, आंसर किसी 3 का करना है, 5 5 मार्क्स का होगा, तो इस हिसाब से ये हमको लग रहा है यहाँ पर ये जो है ना, ये गलती से टाइप हो गया बच्चों, 1 मार्क्स नहीं होगा, 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा ना, तब यहाँ पर, है ना, ठीक है, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 3 क्वेश्चन यहाँ पर करना है, क्वेश्चन 5, तो 3 × 5 यानी 15, तब तो 15 15 30 हो, ये हमको लग रहा है कि ये मिस्टेक से 1 मार्क्स लिख दिया है यहाँ पर, आपका 1 मार्क्स नहीं होगा बच्चों लोग, यहाँ पर आपका क्या होगा, 2 मार्क्स होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, कि पहला होगा आपका 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 7 रहेगा उसमें से कोई 5 करना होगा, 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 7 रहेगा उसमें से कोई 5 करना होगा, ठीक है, और 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, 15, ठीक है। तो यहाँ से 15 नंबर आ जाएगा, यहाँ से 10 नंबर आ जाएगा, और यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक है, और इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग वही करने वाले हैं जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, अभी देखते हैं क्या है, हम नहीं कह सकते पूरा, है ना, कोशिश तो यही करेंगे कि पहला जो है वो एक वीडियो में हम लोग इसको डालेंगे, मतलब 1 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक वीडियो में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और एक वीडियो में 5, कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बहुत लंबा जाएगा तो ऐसे में हम लोग उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये कहता है बच्चों कि एक्सप्रेस 1/4 × 1/4 × द परसेंटेज। देखिए, ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, बोलता है यहाँ पर कि एक्सप्रेस 1/4 × परसेंटेज, मतलब ये जो 1/4 दिया हुआ एक्चुअल में फ्रैक्शन है, वो परसेंटेज का क्वेश्चन है बच्चों, 1/4 क्या चीज है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में कितना दिया है, 1/4, और इसको चेंज करना है किसमें, हमको परसेंटेज में। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, आप हमेशा याद रखो, जब भी फ्रैक्शन या परसेंट या सॉरी रेशियो या डेसिमल, ठीक है, इन तीनों से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्या करना हो, 100 से मल्टीप्लाई, देखिए हम समझाते चलते हैं। जैसे 1/4 है, इसको परसेंट में बदलना है, तो कैसे करोगे, 1/4 × 100, है ना, ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 25%। देखो 25 आ गया, ठीक है। जैसे मान के चलो 3:2 है, इसको परसेंट में बदलना है तो 3/2 कर दो इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 60%। या मान लो अगर इस तरह से है, सपोज कीजिए कि डेसिमल में है 5:2, या ऐसा करते हैं हम लोग इसको 20.5, इसको परसेंट में बदलना है, ठीक है। तो 20.5 है तो पॉइंट हटा दो तो क्या इतना बाई 10 हो जाएगा, इंटू 100 कर दो। तो याद रखिए कि जब भी आपको किससे, फ्रैक्शन से, ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको फ्रैक्शन से, परसेंटेज से, अरे सॉरी रेशियो से या डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना हो, अगर इन तीनों से अगर आपको कन्वर्ट करना हो किस में, इन तीनों चीज़ से अगर आपको कन्वर्ट करना हो किस में, आपको रेशियो में, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका बना रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, 1/4 है ना, ठीक है। आपको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। अच्छा तो क्या करना होगा यहाँ पर कि 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा 25%, यही हमारा क्या हो गया आंसर। फ्रैक्शन को परसेंट बदलना है कुछ नहीं, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5%, है ना। 5000 रुपये का 2 साल के लिए 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है, यहाँ क्या क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, 5000 रुपये, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, 2 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, रेट, जिसको आर बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, वेरी सिंपल, है ना। आप सबको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। पी मतलब 5000, आर 5, टाइम 2/100, ठीक है ना। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ₹500 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि अ शॉपकीपर सेल अ मोबाइल 12000, यानी एक दुकानदार ने मोबाइल बेचा, कितने बेचा, सेल प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन कितने बेचा, 12000 में बेचा, ठीक बात है, ठीक है। कॉस्टिंग रुपीज़ 9600, है ना। खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन वो कितना था, 9600। 9600 में ख़रीदा था, 12000 में बेच दिया। व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा, ठीक है। ये आपको पूछा जा रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर देखो, जब प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, देखिए यहाँ पर हम समझने के लिए इधर लिख रहे हैं, सब आपको लिखना नहीं है, ठीक है। जब सेल प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट, और जब सेल प्राइस छोटा हो कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, लॉस, है ना। जो बेच रहे हैं, अगर आप जितना खरीदे उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट, कम बेच रहे हैं तो लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है बच्चों, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप 9600 में खरीदे हैं और बेच रहे हैं कितने में, 12000 में, डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलता है, देखिए प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइज माइनस कॉस्ट प्राइज, यानी सेल किए कितने में हम, 12000 में, और कॉस्ट मेरा कितना था, 9600 रुपया, ठीक है। तो इस हिसाब से 2400 रुपया आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 9600 में खरीदे थे, बेचे 12000 में, ज़्यादा में बेचे प्रॉफिट हुआ, कितना ज़्यादा में बेचे वही प्रॉफिट हो गया हमारा। फोर नंबर क्वेश्चन की अगर और बढ़ें कि बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैविंग द लिस्ट प्राइस 5280 एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5.5%। देखिए सिंपल बात बोल रहा है, एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल,
कितना रुपया? 5,280 रुपया, ठीक है। और आपने कितना डिस्काउंट पे बेचा? डिस्काउंट परसेंटेज कितना? 12.5%, सॉरी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका सेल प्राइस क्या है, ठीक है। अच्छा, सिंपल सा बात है, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब उस कमोडिटी के ऊपर प्राइस कितना लिखा हुआ है, 5,280 रुपया लिखा हुआ है। आपने कितना डिस्काउंट देके बेचा? सर हमने डिस्काउंट दिया 12.5%, ठीक है। तो 5,280 का 12.5% निकाल देना आप, कर लेना, ये आ जाएगा 8×48, 660 रुपया होगा, नहीं, ठीक है, ओके, सही है। और माइनस कर दो 0, 2, 6 और इतना, तो ये 4,260, 620 रुपया, ये क्या आ गया? सेल प्राइस आ गया 0, 2 और 12 में 6, ठीक है। इतना रुपया में ये कमोडिटी बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट विल बी द 40% ऑफ 180? वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन है ना, 180 का 40% निकालना है। क्या निकालना है बच्चों हम लोग को? 40% ऑफ 180, अच्छा, 40% ऑफ 180, 40% के लिए नीचे हटाइए 100 कर दीजिए, ऑफ का मतलब इनटू 180, सिंपल, ये जीरो कटा, ये और ये जीरो कट गया, ठीक है। तो 72 आपका रुपीज़ आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट इतना, प्रिंसिपल इतना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि प्रिंसिपल कितना था, यानी पी 8,800 रुपया प्रिंसिपल था, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका, यानी जिसको ए बोलते हैं, 11,500 रुपया। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 11,500 माइनस 8,800, ठीक है, 2,700 रुपया आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना रुपया आप उधार दिए, इतना रुपया हो गया इंटरेस्ट ऐड करके, जितना बढ़ा हुआ इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देर इज़ अ प्रॉफिट इक्वल टू द 20 एप्पल सेलिंग 120 एप्पल, है ना, ठीक है। 120 एप्पल बेच रहे हैं, तो 20 एप्पल के सेल प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, इक्वल टू, अच्छा, कॉस्ट के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, देर इज़ अ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल बाई सेलिंग 120 एप्पल। देखो, लेट, सुन लीजिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल बराबर कितना रुपया, 100 रुपया मान लीजिए, 1 एप्पल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल कितना हो जाएगा, 20x, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 एप्पल वो कितना हो जाएगा, 120x, ठीक है। 1 एप्पल मान लीजिए मैंने 100 रुपया में खरीदा, तो 20 एप्पल तो 20x में खरीदे होंगे, ठीक है, और 120 एप्पल 120x में खरीदे होंगे। अब 120 एप्पल को बेच के 20 एप्पल के क्या हो रहा है, सेल प्राइस के 20 एप्पल के कॉस्ट के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, सेल प्राइस बराबर क्या होता है, सेल प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। देखिए, कॉस्ट कितना पड़ा था 120 एप्पल का, 120x, और आपने 20 एप्पल बेचा, बेच के लाभ कितना कमाया, 20x, मतलब सेल प्राइस कितना हो गया, 140x, सॉरी। देखिए, सीधा सा बात है, 1 एप्पल मान लीजिए हमने 100 रुपया में खरीदा, 1 एप्पल हम लोगों ने कितना में खरीदा, मान लो बच्चा 100 रुपया में, ठीक है। तो 20 एप्पल कितने में खरीदा होगा, 20x में, 120 कितने में खरीदा होगा, 120 में। अब सवाल है, 120 आपने बेचा कितने में, ठीक है। देखिए, आप खरीदे हैं 120 में x में, अब प्रॉफिट ले रहे हैं ये 20x, है ना, इतना ही तो प्रॉफिट ले रहा है ना, तो के तो यानी बेचने कितना में, 140 में, ठीक है। अब सीधा सा बात है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट निकालना है, सिंपल सा पॉइंट है, प्रॉफिट परसेंट, सॉरी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ऐसे इसको निकालना कोई ज़रूरी भी नहीं था, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 20x इंटू 100 बाई 120x, काट दीजिए जितना कटेगा, x कट गया, ये 6 टाइम में कटेगा, तो आई थिंक 16.67% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं,
120 एप्पल को बेचेंगे तो 1 रुपये पर लाभ होता है, ठीक है ओके। एक एप्पल मान लो 100 रुपये में खरीदे तो 120 एप्पल 20x में और 120 एप्पल 120x में, है ना। तो आप जब 120 एप्पल को बेचे उसका कॉस्ट आपको इतना पड़ा था लेकिन आप इतना लाभ कमाए, तो प्रॉफिट तो फॉर्मूला तो सिंपल होता है, प्रॉफिट इन 200 बाई कॉस्ट प्राइस, लगा दिया आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको पसंद आया तो आप लोग शेयर करिएगा बच्चों, और अगला वीडियो हम लोग डेली वाइज हम लोग डालते जाएंगे। अब हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। चलिए, थैंक यू।